जगह पसंद नहीं है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। बचाओ, क्या हुआ? मुझ पर एक बड़े दांत वाले कंकाल ने हमला किया है। बस इतनी सी बात है? ये कैसी डरावनी आवाज है? हंसी आ रही है? मुझे नहीं पता, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये डायनासोर की आत्मा हो सकती है। सुनो, आवाज रुक गई। आवाज तो बंद हुई, पर ये अजीब सा कटकटाना अभी भी सुनाई दे रहा है। वो आवाज और करीब आती जा रही है, जरूर ये कोई बहुत बड़ा राक्षस है। पर हमारे अलावा यहाँ तो और कोई नहीं है, है? और भी करीब आ गई है। मुझे लगता है शायद उसके दांत में दर्द है। बंद हो गई। लगता है जो कोई ये आवाज कर रहा था वो डर के मारे भाग गया है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, वो आवाज फिर से शुरू हो गई है। क्या तुम्हें लगता है कि हम खतरे में हैं सिम्बा? फ्लैश को इस बात की फिक्र नहीं है, शायद वो कुछ जानता जो हमें पता नहीं है। वो इतना डर चुका है कि अब उसे किसी बात से डर ही नहीं लगता। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। मेरी राय ये है कि इस आवाज के बारे में सोचना बंद करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलो भी फ्लैश, तुम हमें आगे का रास्ता दिखाओ। अब हम अच्छे से रास्ता देख सकते हैं। कसके पकड़ना अलग से, तेजी से जाने वाली है। हमें चलते रहना चाहिए। बलू, तुम्हें यहाँ से पहरा देना है, ठीक है? मेरे लिए रुको, इतना तेज नहीं। क्या बात है बलू, तुम्हें रखवाली नहीं करनी या तुम डर गए? बताओ। क्या बेहूदा बात कर रहे हो सैम, बालू और डर, तुम ठीक तो हो ना? अच्छा मजाक है। चलते रहो। शाबाश मेरे दोस्तों, बस कुछ देर और हम पहुंचने ही वाले हैं। ये रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम यहाँ से कैसे बच के निकलेंगे? तुम सब तो जानते हो ना कि काओ हमसे पहले रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है, हमें सब्र से काम लेना होगा। मैंने उस तरफ एक जगह देखी है, वो अच्छी जगह है अगर हम वहाँ तक पहुँच पाए तो। वो देखो वहाँ उस पहाड़ी के नीचे। देखो कुछ है वहाँ पे। मुझे पूरा यकीन है वहाँ शायद नहीं होगा। बस दोस्तों, थोड़ी सी हिम्मत और हम अपनी मंजिल के बिल्कुल पास हैं। हम तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, हमारे पीछे पीछे आओ। चलो सब लोग, अब हमें दौड़ना है। Oh, my God.
कोई नजर आ रहा है कहूँ? नहीं कोई नहीं, मुझे लगता है वो सब रेत के नीचे दब गए हैं। हमने अपने दोस्तों को खो दिया है हमेशा के लिए, बहुत बुरा हुआ। यकीन नहीं हो रहा फ्लैश। सिम्बा ओ दोस्तों, हमें लगा हमने तुम्हें खो दिया है। अब हम सब सुरक्षित हैं और साथ हैं। मुझे लगता है हमें इस रेगिस्तान से जल्द से जल्द निकलना चाहिए। चलो चलो सब फ्लैश के पीछे चलते हैं। अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। बस पहुंच ही गए। कितनी सुंदर जगह है। हमने वादियां पार कर ली। तुम सब ने साहस और बहादुरी दिखाई और हम एक साथ एकजुट रहे। हम सब ने कर दिखाया। बिल्कुल ठीक कहा। बहुत खूब। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम सबने उस वादी को बहुत कम समय में पार कर लिया। सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ये कर पाओगे, पर मानना पड़ेगा कमाल का प्रदर्शन था तुम सभी का। तो तुमने सब कुछ देखा है ना? हाँ मैंने देखा, और अब तुम सबका ये जानना जरूरी है कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो काल्पनिक था, भ्रम था। ये तुम क्या कह रहे हो आर्बर? वो फिर आवाजें क्या थी जो हमें लगा कि हमारा पीछा कर रही है? वो सारी आवाजें मुझे बहुत अजीब लगी। इसमें हंसने की कोई बात नहीं आर्बर, वो आवाजें बहुत डरावनी थी। तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो आर्बर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहता दोस्तों, पर वो आवाज क्या थी, जब तुम लोग जान जाओगे तो तुम भी मेरी तरह हंसोगे। तुम सबका डर जाना स्वाभाविक था, क्योंकि तुम में से कोई भी नहीं जानता था कि वो आवाज कहाँ से आ रही है, पर तुम जल्दी ही इस बात को जान जाओगे सिम्बा। खैर मुझे तो खटखटाने की आवाज लगी और बहुत जोर से आ रही थी। उस आवाज में एक अजीब सी ताल थी, मुझे बहुत चिल्ला रही थी। हाँ मुझे तो लग रहा था कोई एक बड़ा सा घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है। रुक जाओ फ्लैश, आर्बर की सुनो। वो आवाज जो तुम सबने सुनी वो बलू के दांतों से आ रही थी। है ना ये मजेदार बात मेरे दोस्तों? इसका मतलब कि मैं ही वो अजीब राक्षस था। पर तुम सब अपने डर को मात देकर आगे बढ़ रहे थे बलू, ये वाकई सराहनीय है। मैं ही बेवकूफों की तरह ये बात समझ नहीं पाया, तुम्हें क्या लगा? हा? उम्मीद करता हूँ कि हमारी बेवकूफी की ज्यादा चर्चा ना हो। अब तुम सब शांत हो जाओ, मैं गाना गाने जा रही हूँ। हम सब जिससे अभी गुजरे हैं उसके बाद भी सुनना पड़ेगा। बकशॉट। ये गाना सिम्बा के सम्मान में।
ये बहुत अच्छा ख्याल है। तो कौन गाना चाहेगा हमारे होने वाले राजा के लिए? मैं भी। पहले मैं पानी पीना चाहता हूँ। मेरा गला सूख गया है। मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या पानी पानी कर रहे हो? वो बाद में पी लेना। मुझे गाना गाना है। मुझे गाना गाना है। मैं तो बस उस तालाब में तैरने वाला हूँ। ठीक है, जाओ, मैं अकेले ही गा लूंगी। अब मत आना मेरे पास। अब मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी। तो तुम तालाब के पास आकर हम सब के लिए क्यों नहीं गाती हूँ? ताकि मेरे मीठे गीत कोई ना सुने। जी नहीं, शुक्रिया। तुम भी एक पंछी हो, तुम्हें तो समझना चाहिए। जैसा तुम ठीक समझो, अगर मन बदल जाए तो तुम जानती हो हम कहाँ है। काओ। अच्छी बात है, मैं अपनी सबसे बड़ी फैन हूँ। सिम्बा रुको, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों, रुको, मेरी बात सुनो। अल्बर्ट, तुम मेरे गाने में रुकावट डाल रहे हो। माफ करना, मैंने तो देखा ही नहीं कि तुम अभी भी यहीं हो। तुम भी औरों की तरह हो, कोई मेरा गाना नहीं सुनना चाहता। मेरा करियर खत्म हो गया। माफ करना, मेरा मतलब वो नहीं था, पर जो बात मैं सिम्बा से कहना चाहता हूँ बहुत जरूरी है। मुझे अभी इसी वक्त उसे बात करनी होगी। मैं यहाँ रुक नहीं सकता। आगे खतरा है सिम्बा। नील नदी के पार से खबर मिली है कि शेर खान ने यहाँ का रास्ता ढूंढ लिया है और वो इसी तरफ आ रहा है। उसने कसम खाई कि जब तक तुम अपना राज उसके हवाले नहीं करते, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इस बार मैं उससे डर कर नहीं जाऊंगा। मुझे क्या करना होगा? मेरी राय है कि तुम नील नदी के ऊपरी इलाके की ओर बढ़ो और सहयोगी ढूंढो। बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना। याद रखना, इस पर तुम्हारा भविष्य निर्भर है। मैं जानता हूँ तुम इस काबिल हो सिम्बा। शुक्रिया आबर, मैं जरूर तुम्हारी सलाह को याद रखूंगा। तुमने हमेशा ही मुझे सही रास्ता दिखाया है। वो देखो कौन आ रहा है। ये तो हमारा दोस्त सिम्बा है। तुम आ गए। माफ कीजिए सरकार, हुजूर। आने में इतनी देर क्यों की? इतनी देर तुमने कहाँ लगा दी? बताओ जल्दी क्या कहना चाहते हो? हुजूर, मैं कोशिश कर रहा था कि कोई मेरी बात माने, पर कोई सुनना ही नहीं चाहता था। मैं मतलब क्या है तुम्हारा? ऊपर में देखिए, उनमें से कोई आपके साथ नहीं है। पहले यहाँ आओ और मुझे हकीकत बताओ। जब मगर बच्चों से आपकी तरफ से लड़ने को कहा तो हंसने लगे हुजूर। मुझे यकीन नहीं होता, तुमने जाकर उनसे बात की? बताओ चमचे। बिल्कुल सरकार। क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि लड़ाई में सिम्बा की तरफ है वो? नहीं सरकार, ये मामला उससे भी ज्यादा जटिल है, आप जल्दी जान जाओगे। इससे ज्यादा जटिल है? मुझे जीतने के लिए उन मगरमच्छों की जरूरत नहीं है। अब अपनी ये बकवास बंद करो, बताओ क्या हो रहा है वहाँ? मगरमच्छ लड़ाई नहीं, शांति चाहते हो। जब अपना घर अपना राज्य खतरे में हो तो कोई कैसे शांत रह सकता है? बताओ उल्लू कहीं के? मगरमच्छ के सरदार ने यह आदेश दिया है। कौन है वो? मैं नहीं जानता, वो बहुत बड़ा है, उसके बड़े बड़े दांत हैं। मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? मैं मगरमच्छों से नहीं डरता। हंसे क्यों, हंसे क्यों? आप भी ना सरकार, मगरमच्छों से डर, वो भी आपको। मजाक कर रहे हैं आप, अच्छा मजाक कर लेते हैं। बकवास बंद करो, मेरा दिमाग मत खाओ। दोबारा एक बार देख लेते हैं। इस जंग में हमारे सहयोगी सियार, गेंडे, सुअर, शुतुरमुर्ग, गिद्ध, इन सबको लड़ना पसंद है खूंखार तरीके से। हाँ।
ये कौन से पंछी हैं ये तो मैं नहीं जानता दोस्तों, पर जो भी है उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे साथ हो। इतने सारे जानवर मैंने पहले नहीं देखे, इनको गिन पाना मुश्किल है। पर हम अपने दुश्मन को कम नहीं समझ सकते। क्या मतलब है? जरूरी नहीं कि जिसकी सेना बड़ी हो वही जीते। अभी तो इतने साथी हैं, तुम्हें तो हौसला मिलता होगा ना? तुम्हें क्या लगता है सिम्बा? मैं मानता हूँ कि मेरे दोस्त साहसी, बहादुर और वफादार हैं, और वही मेरी असली ताकत है। सिम्बा, हम सब तुम्हारी तरफ हैं। हम तुम्हारे पूर्वजों के राज्य की रक्षा के लिए लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, आप सब मेरी तरफ हैं ये जानकर मेरा हौसला बढ़ गया। और हम भी तुम्हें वचन देते हैं कि इस जंग में हम तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे जैसे तुम्हारे पिताजी के लिए लड़े थे। ये जानकर मुझे खुशी हुई। जीते रहो सिम्बा, हमारे राजा अमर रहे। जीते रहो सिम्बा। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, मुझे यकीन है कि जीत हमारी ही होगी, हम नहीं हारेंगे। हमारी तरफ दौड़ कर आ रही है तेजी से। सिम्बा, सिम्बा। क्या बात है? चीतों की पूरी सेना हमारी ओर बढ़ रही है। चलो देखते हैं। पता नहीं ये हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। मुझे यकीन है कि वो हमारी तरफ से ही होंगे। हमारी सेना की तरफ से सलाम सिम्बा, हम तुम्हारी ओर से लड़ेंगे। आपके साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हाँ, हम सिम्बा का साथ जरूर देंगे। हाँ तो ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम साथ रहे तो जरूर जीतेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपके राज्य में सुख और शांति बनी रहे। हमारे राजा अमर रहे, हमारे राजा अमर रहे। उस तरफ देखो कौन आ रहा है, ये तो कमाल ही हो गया। ये तो जाहिर सी बात है सिम्बा कि हर कोई चाहता है कि तुम ही जीतो। हाँ ठीक कहा। देखो तो कितने सारे हैं ये सब, पर शुक्र है कि हमारी तरफ है। इतनी बड़ी सेना कभी नहीं देखी। अपनी ताकत बचा कर रखो, अभी बहुत काम करने हैं। ओ हाँ जरूर काम, बस तुम हुक्म करो, फिर देखना मैं उन्हें जरूर हराऊंगा। आज रात होने से पहले तक हमें किलिमंजारो पहुँचना ही होगा। हम समझ गए। कैसे पहुँचेंगे हम किलिमंजारो तक? मैं बस इतना जानता हूँ कि हमें यहाँ से बहुत दूर जाना है, कई मीलों दूर। ये तो बहुत मुश्किल काम है। नहीं, हम समय बर्बाद नहीं कर सकते। अभी हमें नील नदी के साथ काफी दूर तक चलना होगा, उसके बाद हमें एक बर्फीला शिखर वाला पर्वत नजर आएगा, वही है किलिमंजारो। मेरे छोटे दोनों पैर इतना लंबा रास्ता नहीं चल पाएंगे। सबसे बुरी बात है यहाँ कोई खाने के बाद सोचता तक नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया? अच्छा नहीं किया तुमने। अब बहस बंद करो दोस्तों, अगर तुम तेज नहीं चले तो यही रह जाओगे। चलो रुको, रुको। थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकते हैं। सही कह रहे हो। सुरक्षित है। होगी पर हमें बारी बारी पहरा देना होगा। ये जगह कितनी बड़ी है। क्या तुम सिम्बा के साथ हो? हम उसके अच्छे दोस्त हैं। तुम कौन हो? मैं रेगिस्तान में रहने वाला चूहा हूँ। पहले मुझे तुम दोनों को बधाई देने दो।
आप बधाई पर किस बात के लिए? हम चूहों को अच्छा दिखाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, सुनकर अच्छा लगा। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम हमें बता सकती हो कि ये मंदिर और ये मूर्तियाँ किसने बनवाई? ये एक बहुत पुरानी सभ्यता है, मिस्री की सभ्यता। वो लोग इतने अमीर थे कि जब कोई गुजर जाता था तो उनकी याद में मंदिर बनवाते थे और उन लोगों के ऊपर एक खास दवा लगाकर कपड़े में बांधते थे, जिन्हें आज हम सब ममीज के नाम से जानते हैं। उसके बाद खजाने से भरे हुए बड़े कमरों में उन्हें रख दिया जाता था, हीरे मोती सोने चांदी के साथ में, जिन्हें आज पूरी दुनिया अनमोल समझती है। कहाँ है वो खजाना? ओह, तुम किसी भी कमरे में जाओगे, वहाँ चारों तरफ तुम्हें खजाने नजर आएंगे। ये सपना तो नहीं है मोटू? उन सारी जगहों में इतनी अनमोल चीजें हैं कि उन्हें देख के तुम चकरा जाओगी। यकीन नहीं होता। अरे तुम ठीक तो हो ना? भागो। इसके आगे क्या नया है सिम्बा और उसके दोस्तों के लिए? क्या वो आने वाली चुनौती का सामना करके जीत हासिल कर पाएंगे? हम आपसे फिर मिलेंगे भावी राजा की इस रोमांचक सफर में।